जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का ओम चो चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आभार है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना प्यार देने के लिए और यहाँ तक इतनी जल्द पहुँचाने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, घंटी के बटन दबाएंगे ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट और नए नए वीडियो की जानकारी हमारे चैनल की आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, तो ये कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें और कमेंट्स में अपनी जो भी राय हो वो ज़रूर लिखें। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये पांच चीज़ें जो जीवन में हमें कभी नहीं करनी चाहिए, वो कौन कौन सी है, इस वीडियो को देख कर आपको जान जाएंगे और ये आप ये भी जान जाएंगे कि यदि इन चीज़ों को आप नहीं करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। पहली बात करना चाहूँगा व्यसन की, बात करना चाहूँगा नशा। आजकल लोग इतने प्रोफेशनल हो गए कि नशे को भी प्रोफेशनलिज्म में जोड़ते हैं कि नशा करना भी प्रोफेशनलिज्म के लिए अच्छा होता है, इनसे कई सारी डील्स होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी बातें होती हैं। पर दोस्तों, आपको खुद को पता नहीं होता है कि ये आपके पेशे के सिलसिले में आप उस नशे में बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं। प्रोफेशनल अगर है वास्तव में, तो आप वाकई में उसके लिए प्रोफेशनल रहिए ना। आप उसे इतना क्यों ले लेते हैं, मतलब उसे अपने दिमाग में मस्तिष्क पर ले लेते हैं इतना आप कि प्रोफेशनलिज्म से ऊपर उठकर आप एडिक्ट हो जाते हैं, उस चीज़ की लत लग जाती है। तो पहली और मुख्य बात है कि जीवन में कभी भी अपने प्रोफेशनल चीज़ों को प्रोफेशनल रखें और निजी जीवन को निजी रखें। पर सबसे महत्वपूर्ण है आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है। तो आप समझ गए हो कि ये चीज़ आपको बिल्कुल, इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। दूसरी चीज़ आ जाती है, वो है लालच। हमेशा हमारे देश में या विश्व के किसी भी देश में कहीं भी जो जो ठगाया है, जो ठगी जिनके साथ हुई है, उसमें पहली बात निचोड़ के बाहर आती वो लालच, कि आपको लालच थी और लालच के अवज में आपको ठग के चले गए। और लालची, लालच मानव का स्वभाव है, ऐसा भी नहीं कि लालच कोई अलग से कोई चीज़ है, ये स्वभाव है। तो हमें इससे बचना है, ये चीज़ कभी मत करना। जो है जितना है ठीक है, लेकिन लालच का सामने से कोई ऑफर आ रहा है कि आप यहाँ इस तरह से करिए, ये होगा वो होगा, या कोई भी काम लालच से, तो वो सफलता के उसमें संभावनाएं बहुत कम होती है और सफल होना थोड़ा मुश्किल होता है और कई बार तो नामुमकिन भी होता है। तो एक बहुत अलग सब्जेक्ट है ये लालच का, इसलिए हमेशा लालच को प्राथमिकता न दे, ये चीज़ कभी मत करिएगा। तीसरी चीज़ है कि दोस्तों, आप जो लोगों को उधार देते हैं या पैसे का मिसयूज़ करते हैं, मतलब मिसयूज़ कहूँ या आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आप पैसे देते हैं किसी को, मतलब बहुत, आपको उदाहरण के तौर पर मैं अगर समझाऊँ कि आपको पता है कि ये व्यक्ति पहले ही बहुत बार उधार ले चुका है, ये क्या करता है पैसों का और क्यों इतना कर्जे में आया है या क्या हुआ है, कि आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आप पैसे देते हैं, मतलब सीधी सी बात ये कहना चाहते हो कि फिजूल खर्ची, आप जितना भी फिजूल खर्च करते हैं, जितने भी बेफिजूल का पैसा लोगों को देते हैं, उनसे आप परहेज करें। क्योंकि दोस्तों, धन जो आपके किस्मत में आया है, धन और विवाह, ये सब किस्मत की बात है दोस्तों। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उतनी प्राथमिकता या उतना धन नहीं मिलता है, बहुत से लोग कम मेहनत में बहुत धन कमा देते हैं। तो मेरा ये व्यू है कि धन जो है वो किस्मत का खेल है। तो आपकी किस्मत में जो धन आया है, जो जितना भी आया है, अगर आप उसे संचय या सेविंग्स नहीं करेंगे तो आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट ये है कि पैसे का खर्च और दोस्तों चौथा पॉइंट है, आपको जीवन में चाहे कैसा भी पल हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन दुखी आपको नहीं होना चाहिए। ये जीवन आपको अमूल्य जीवन है, कई जतन के बाद ये मिला है, इसमें खुशी खुशी जिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, एक सकारात्मकता होनी चाहिए आपके पास, बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, कहीं भी कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, आप पॉजिटिव रहें, बस माइंड सेटअप अपना पॉजिटिव रखें। पाँचवीं चीज़ है जो सबसे खतरनाक और घातक है, व्यक्तियों का नास्तिक होना। नास्तिक व्यक्ति ईश्वर के होने पर चुनौती देता है, नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नास्तिक हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन जो नास्तिकता है, मतलब नास्तिकता वही चीज़ होती है, केवल दिखावटी तौर पर ईश्वर का नाम लेना, दिखावटी तौर पर मंदिर जाना, यह आस्तिकता नहीं है। आस्तिक वो होता है जो मन हृदय से पूर्णता से ईश्वर को मानता है कि हाँ, इस दुनिया को ईश्वर ही चला रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।
जय श्री महाकाल लिखे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।